Hello everyone.

इस तरीके से उसको डिजाइन किया गया कि वो पोर्टेबल हो ताकि हम उसे इजिली तो कैरी कर सके कहीं पर भी गैजेट को स्पेसिफिक फंक्शन के लिए बनाएंगे कि अगर आपको कहीं पर कुछ काम हो तो आप स्पेसिफिकली उस गैजेट को यूज कर सको गैजेट मतलब यही हुआ ना आ, कि आप स्पेसिफिकली उसको कहीं पर भी जहां आपको उसकी जरूरत हो तो आप उसको यूज कर सकते हो ओके ट अबाउट दी समटाइम काइंड स्मार्ट वॉच स्मार्ट वॉच को सबसे पहले डेवलप किसने किया था कैनेडा का एक आदमी था उनका नाम था स्टीव मैन इन्होंने फर्स्ट टाइम स्मार्ट वॉच को डेवलप किया था इन नाइनटीन नाइनटी एट स्मार्ट वॉच अब इस टाइम पे इतनी ज्यादा पॉपुलर हो चुकी है बट उस टाइम पे तो हमें नहीं पता था इसके बारे में बट अब हम स्मार्ट वॉच काफी लोगों के पास होती भी है और काफी लोगों के पास नहीं भी होते दैट्स ओके, बट स्मार्ट वॉच हम सबने देखी तो है दैट स्मार्ट वॉच कैन रन एप्स एंड प्ले बैक ऑल सोर्ट्स ऑफ डिजिटल मीडिया लाइक ऑडियो वीडियो रेडियो स्ट्रीम टू ब्लूटूथ हेडफोन सब कुछ कर सकते हैं हम स्मार्ट से गाने सुन सकते हैं वीडियोस देख सकते हैं काफी बार हम सोशल मीडिया एप्स को रन करवा सकते हैं हमारी वो कैलरीज बर्न कर, जैसे कि हम कभी रनिंग ले जाते हैं तो हमने कैलरीज काउंट कर सकते हैं हमारी रनिंग कैपेसिटी काउंट कर सकते हैं तो स्मार्ट वॉच के बहुत सारे यूजेस हैं और हम डे टू डे लाइफ में बहुत अच्छे से उसको जानते भी हैं स्मार्ट वॉच आर जस्ट लाइक अवर स्मार्टफोन स्मार्ट वॉच पे आप कॉलिंग पे भी आप बात कर सकते हो आप व्हाट्सएप भी यूज कर सकते हो वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू यू कैन डू ऑन स्मार्ट वॉच तो हम स्मार्ट वॉच को अगर मोबाइल फोन के जैसा समझ रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं है ओके द देकेंड थिंग इज गूगल ग्लास गूगल ग्लास क्या होते हैं हम सब ने इसको देखा तो नहीं है बट मैंने एक इमेज लगाई हुई है जिसमें आपको दिख रहा होगा ये ग्लास के जैसा दिख रहा हो और छोटी सी स्क्रीन हमारे जो आई आई के सामने ही एक छोटी सी स्क्रीन है हुँ? ये एक तरह का एक एंड्रॉइड डिवाइस बनाया था गूगल ने ही जिसकी वजह से ना जो भी चीजें हमें जो भी इन्फॉर्मेशन हम बोलते हैं हम अपने uh, मुंह से जब हम जो भी ऑडियो उसको देते हैं उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन इस स्क्रीन से हमारी जस्ट आई के सामने आई की जो विजिबल एरिया होता है उसमें इन्फॉर्मेशन को वो शो करता है सो so जो लिखा हुआ है दैट गूगल ग्लास द वियरेबल वॉइस कंट्रोल एंड्रॉयड डिवाइस ये वॉइस कंट्रोल है जो हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं ये उसको प्रोसेस करता है

हमारे सिंपल फोन्स में ये होता है वो एंड्रॉयड बेस्ड होता है एंड इट रन एप्स ग्लास गोल्ड ग्लासवेयर ये कुछ एप्स को भी रन करता है जिसे हमने ग्लासवेयर कहा है डेट आर कस्टमाइज फॉर द डिवाइस ये आपको जनरल डिवाइसेज में नहीं मिलेगा ये सिर्फ और सिर्फ किया गया था गूगल ग्लासेस के लिए एंड इट ऑल्सो हैज कैमरा फॉर टेकिंग फोटोग्राफ्स एंड वीडियोज इसमें आपको कैमरा देखिए एक साइड में एक छोटा सा कैमरे का जैसा एक स्मॉल सी बटन सी बनी हुई है तो ना यही चीज है कैमरा जिससे आप फोटोग्राफ भी ले सकते हो एंड वीडियोस भी रिकॉर्ड कर सकते हो थर्ड आईटी गैजेट दैट इज अ ड्रोन अ ड्रोन इज एन अनमैन एयरक्राफ्ट और शिप दैट कैन नेविगेट ऑटोनोमसली विदाउट ह्यूमन कंट्रोल और बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट की अनमैन्ड uh, एयरक्राफ्ट एयरक्राफ्ट क्या होता है जो हवा में उड़ती है जैसे कि हमने एरोप्लेन देखी हुई है ये एयरक्राफ्ट होते हैं अनमैंड मतलब कि इसमें कोई इंसान नहीं बैठ सकते एंड शिप इसका जो शिप जैसा स्ट्रक्चर जो होता है वो एक शिप जैसा होता है जो नेविगेट करता है ऑटोनॉमसली विदाउट ह्यूमन कंट्रोल इसमें ह्यूमन कंट्रोल विदाउट तो नहीं बोला जाता क्योंकि उसमें एक रिमोट दिया होता है जैसे वीडियो गेम का रिमोट होता है कुछ इस तरह इसमें रिमोट भी दिया जाता है जिससे हम इसको रन करवाते हैं बियॉन्ड द लाइन ऑफ साइट की जनरली काफी लोग उसको देख भी नहीं पाते हैं इट कैन इक्विप विद अ वैरायटी ऑफ एडिशनल इक्विपमेंट इसमें कई सारी इक्विपमेंट को लगाया जा सकता है जैसे कि मिसाइल्स को लगाया जा सकता है इसमें कुछ जीपीएस लगे हुए थे ताकि अगर ये कहाँ पर है इसकी लोकेशन को ट्रैक कर किया जा सके और नेविगेशन सिस्टम लगाया जाता है कि हमें इसको रास्ता दिखाने की ने, नेविगेट करने के लिए इसमें नेविगेशन सिस्टम और बहुत सारी चीजें दी गई है जैसे कि इमेज इंसर्ट इस है इसमें आप इसमें इसका स्ट्रक्चर देख सकते हो ये शिप लाइक इस स्ट्रक्चर है इसके ऊपर छोटे छोटे पंख जैसे उसके लगे हुए और नीचे एक कैमरा लगा हुआ इसके थ्रू तो जैसे कभी कभी आपने शायद में देखा होगा कि शादियों में रिकॉर्डिंग करने के लिए आप ड्रोन का यूज करते हैं पर आप ड्रोन के यूज के लिए ऑफिशियली परमिशन लेनी पड़ती है अभी ड्रोन का यूज आप कभी भी मार्केट से लाओ यूज कर नहीं कर सकते आपको ऑफिशियली पेमेंट लेनी परमिशन लेनी पड़ती है कि आप अपना ही ड्रोन यूज कर सकते हो कि नहीं ओके नाउ नेक्स्ट डिवाइस इज पेन विथ कैमरा पेन विथ कैमरा एक स्पाई डिवाइस है हु? जो कि इसमें यूज किया जाए तो हाई टेक्नोलॉजीज अलाउड मिनिएचराइजिंग स्पाई डिवाइसेस स्पाई डिवाइसेस क्या हो गए जो चोरी छुपे होने वाले कामों को जैसे चोरी छुपे किसी चीज को रिकॉर्ड करना होता है हमें तो हम ये पेन विद कैमरा ये स्पाई डिवाइसेस को यूज कर सके टर्निंग ऑलमोस्ट एवरी आइटम इनटू अ पोटेंशियल रिस्क फॉर सेफ्टी जो ये स्पाई डिवाइस होती है कभी कभी ये हमारे लिए यूजफुल भी होते हैं कभी हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक भी होती है जैसे कि जब आप मॉल में या फिर होटल्स में स्पाई कैमराज मिलते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही सेफ होता है और कभी कभी हमें कुछ गलत हो रहा हो जैसे कि आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बनोगे अगर कहीं पर भी मिलावट हो रही है तो आप इसको रिकॉर्ड करने के आप इसका pen with camera use कर सकती हो, हो okay, ये बहुत ही अच्छी चीज चीज है। है तो तो किसी भी के अगर हमने बनाया है तो उसके दो तरह के होते हैं, या या तो उसका उसका होता होता है, या फिर उसका harmful effect होता है, फिर okay, इसके बारे मैं बात में बात बात दो, इट मे सीम स्ट्रेन स्पाई स्पाइक आर पॉसिबल टू यूज फॉर प्रोटेक्शन स्पाइक को हम प्रोटेक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं कुछ तो डिवाइसेस ऐसे भी होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं कि कहाँ पे इंडियन कैमरा छुपा हुआ है इसको पता करने के लिए तो ये जो पेन विद कैमरा है ये बहुत ही स्पाइट डिवाइस की तरह यूज कर सकते हैं हम ओके नाउ द थर्ड इज यूएस बी फ्लैश ड्राइव यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी एक आई टी गैजेट ही है जो कि एक मेमोरी स्ट्रिक के तरह काम करते हैं जैसे कि हमने पेन ड्राइव देखी जिसमें हम कभी कभी अपने डॉक्यूमेंट्स कैरी करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी ये भी एक स्मॉल स्मॉल डिवाइस है जो कहाँ पे अप्लाई कहाँ पर फिक्स होता है जहाँ पर आप कंप्यूटर में आप आप लगाते हैं ना यूएसबी वहीं पर हम फ्लैश ड्राइव को यूज करते हैं वहां पर लगाते हैं इसको स्टोरेज डिवाइस यूज कर सकते हैं इसकी इमेज मैंने इंसर्ट कर जैसे पेनड्राइव की इमेज होती है पेनड्राइव जैसे दिखता है बिल्कुल वैसे ही यूएसबी फ्लैश ड्राइव भी दिखता है ना uh, कुछ और आईटी गैजेट्स है जो हम जानते हैं अपने लाइफ में जैसे कि डिजिटल कैमरा हो गया डीएसएलआर वट एवर द डिजिटल कैमरा यू हैव यूज्ड बात नहीं करूंगी मोबाइल फोन आई डी गैजेट है यूज किया हुआ है सी डी डीवीडीज ये भी आई डी गैजेट में ही आता है बायोमेट्रिक स्कैनर जब आप एग्जाम देने जाते हो जब आपके स्कैनिंग होते है बायोमेट्रिक जब आप आधार बनवाने जाते हो जो आपकी आई स्कैनिंग और फिंगरप्रिंट की जो स्कैनिंग होती है सब बायोमेट्रिक स्कैनर में आता है तो दिस इज ऑल इट फॉर टूडे आज हमने बात करी है कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में और कुछ आईटी गैजेट्स के बारे में जैसे कि आईटी गैजेट्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो मैंने जितना भी अच्छे से समझा सकती है मैंने वो सब बताया इफ यू लाइक वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू चैनल प्लीज लाइक दीडियो एंड शेयर एज मच एज कैन एंड मेन्शन फीडबैक इन कमेंट सेक्शन थैंक यू फॉर वॉचिंग